हेलो अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू माय चैनल और हम यहां पे खेल रहे हैं एक दफ़ा फिर पबजी बीटा वर्जन कुछ और अपडेट्स जो आने वाली हैं उसके बारे में पता चला तो मैं सोचा वीडियो बना दूं तो नीचे उतर के हम इंशाल्लाह सारी अपडेट्स में आपको एक एक करके बता देता हूं ओके जी जो पहली अपडेट मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि यहाँ पर आपको अब एम सिक्सटी नए फोर के लिए अटैचमेंट मिलेगी ये देखें जी आपको शॉप से मिल जाएगी पाँच करेंसी में पाँच नोटों में या पाँच कोइंस में ठीक है हो सकता है ये ग्राउंड पे भी मिले मुझे पता नहीं है इसका लेकिन यहाँ पे शॉप में मौजूद है आप इसको परचेज़ करें ठीक है जी और ये देखें आपके जो एम सिक्सटीन ए फोर है ये आप अगर इसको निकाल देंगे ठीक है तो ये ब्रश्ट मोड पे और या सिंगल पे काम करेगी और अगर आप ये इसमें लगा देंगे ठीक है तो ये ऑटो हो जाएगी तो एम सिक्सटीन ए फोर जो है ये ऑटो पे चलेगी ठीक है जी तो ये बहुत ही ज़बरदस्त आपकी ब्रश्ट वाली गन्ने जितने भी हैं वो इस अटैचमेंट के बाद ऑटो पे हो जाया करेंगी और ऑटो गन की तरह काम करेगी ठीक है जी ये देखिए ओके गई जो पिछली दफ़ा वीडियो में मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया था ये जो आपका उड़ने वाला डायनासोर है इसका अगर आप ये बंदा उठाने वाला बटन दबा के रखेंगे तो ये देखिए निशान आ गया स्क्रीन पर आप इसको यहाँ पे करके छोड़ेंगे तो ये इसको उठा लेगा वो ख्वाह आपका दोस्त हो या आपका दुश्मन हो आप इसको अगर आपका एनिमी है तो इसको ले जा के आप ऊपर या दोस्त है उसको ले जा के आप साथ ले के जा सकते हो दूर ले जा के उसको आपने मारना है तो मार सकते हो और गैस चूँकि ये अभी बीटा वर्जन में है तो इसकी कुछ चीज़ें अभी सही से काम नहीं कर रही इसको मेरे ख़्याल में ये फेंकने वाला बटन जो है ये भी अभी हैंग हो गया है एग्जिट भी नहीं हो रहा तो ये चीज़ें अभी फ़िलहाल सही से काम नहीं कर रही तो गैस एक और जो इस अपडेट में चीज़ आने वाली है जैसे ये आप देख सकते हैं ये डायनासोर के बच्चे हैं और यहाँ पे ये अंडे पड़े हुए हैं आप ये बटन दबाओगे ठीक है जी इनको अंडे खिलाओगे या कोई चीज़ तो ये आपके पीछे पीछे लग जाएंगे तो जिनके पास पेट नहीं है आ, गेम में नहीं परचेस कर सकते तो वो यहाँ से शौक़ पूरा कर सकते हैं इसका ये देखें ये आपके साथ साथ रहेंगे लेकिन बस इतने एरिया में ये आपके पास साथ साथ रहेंगे मेरे ख्याल में ये इधर से बाहर नहीं जाएंगे आपके पीछे हाँ जी तो जस्ट कुछ देर के लिए आप अपना शौक़ पूरा कर सकते जी जो लास्ट अपडेट में आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो रॉयल पास के बारे में है और जैसा कि आप स्क्रीन शॉट में आप देख सकते हैं कि रॉयल पास इन्होंने लिखा है द मैक्सिमम रॉयल पास रैंक हैज़ इंक्रीज्ड टू हंड्रेड एंड द ड्यूरेशन हैज एक्सटेंडेड टू टू मंथ्स ठीक है जी तो रॉयल पास जो है वो फिर से सौ आर पी का होने वाला है और दो महीने पर होगा आ, प्लेयर कैन अनलॉक द फर्स्ट फिफ्टी रैंक एट वंस तो आप रॉयल पास जो लोग सोच रहे थे कि अभी उसके लिए मेरे ख्याल में 600 हंड्रेड यू सी खर्च करना पड़ेगा तो ऐसा नहीं है आप आधा रॉयल पास परचेस कर सकते हो जब आधा आपका हो जाएगा तो उसके बाद आधा और आप परचेस कर सकते हो 300 हंड्रेड थ्री हंड्रेड यू सी में जहाँ तक ये लिखा हुआ है उसके हिसाब से जो मुझे समझ आ रहा है उसके बाद लिखा हुआ है जी प्रीमियम रॉयल पास होल्डर आर इंटाइटल टू एन एक्स्ट्रा फिफ्टी परसेंट बोनस पॉइंट ठीक है जो प्रीमियर रॉयल पास ख़रीदेंगे वो एक्स्ट्रा फिफ्टी परसेंट बोनस पॉइंट उनको मिलेंगे और इसके अलावा जो अगली चीज़ लिखी हुई है ठीक है जी वो ये है कि लकी स्पिन ड्रा वाउचर एंड अपग्रेडेबल वेपन जो है ये रॉयल पास में ये रॉयल पास हैज बीन एडेड एज अ रॉयल पास रैंक रिवार्ड ठीक है जी तो अभी रॉयल पास में हमें लकी स्पिन ड्रा के वाउचर और अपग्रेडेबल वेपन भी देखने को मिलेंगे तो देखते हैं कि पहले ये जो रॉयल पास आ रहा है इसमें कौन सा अपग्रेडेबल वेपन हमें देखने को मिलता है जब रॉयल पास आएगा तो उस टाइम हमें पता चलेगा ठीक है तो ये थी आज की अपडेट 2.6 अपडेट के बारे में जो चीज़ें मुझे पता थी तो वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें जो लोग चैनल पे नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल साथ में मौजूद बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आंद आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे बहुत बहुत शुक्रिया अल्लाह हाफिज़